बार की तरह हाजिर हूं मैं आपसे कला इतिहास के वो स्वर्णिम पन्ने पढ़ने के लिए जो अमर हैं। हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति पौराणिक कथाओं पर और किंवदंतियों पर आधारित है। हमारी जीवन की शिक्षाएं और यहाँ तक बच्चों को देने वाली शिक्षाओं में कहीं ना कहीं भगवान के जीवन से जुड़ी घटनाएं उनके जीवन का आधार लिए हुए होती हैं। हालांकि मैं ऐसा पूरी तरह नहीं कह सकती क्योंकि पंचतंत्र की कहानियाँ इसमें अपवाद हो जाएंगी, हालांकि वो भी किसी न किसी धर्म संप्रदाय से जुड़ी हुई है। खैर, मेरा ये कोई मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि कला हम में कितनी गहरी पेट रखती है। तभी तो वो ईश्वरीय आकार लेकर के हमारे घर के किसी कोने में, किसी मंदिर में, किसी ताक में पूजी जाती है। कला को ईश्वरीय मूरत और रूप देने वाले हमारे देश के एक महान भारतीय कलाकार थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्ट भी कहा जाता है, जिन्हें ब्रिटिश वॉइसरी और लॉर्ड कर्जन ने उपाधि दी थी केसरे हिंद की। अब मैं नाम लूँ, लेकिन आप सभी के होठ मेरे साथ बुदबुदा रहे हैं, राजा रवि वर्मा जी। आज बात 29 अप्रैल 1848 को जन्मे रवि वर्मा की, जिनका जन्म किल्ली मानोर में हुआ था। 7 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने बता दिया था कि अपने आसपास के दृश्यों और चित्रों को घेर करके कि वो कितने अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। 14 वर्ष की उम्र में उन्हें साथ और शिक्षा मिली अपने चाचा की, जिनका नाम था राजा वर्मा। उनके साथ वे त्रावणकोर आ गए, जहाँ त्रावणकोर रॉयल फैमिली का उन्हें सपोर्ट और साथ मिला और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया गया। यूरोपियन आर्ट की कुंची से भर के उन्होंने भारतीय रंगों को जो सर्वोच्चता और जो महानता दी वो अद्भुत थी। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स नल दमयंती, द्रौपदी का चीरहरण, लेडी विथ लैम्प, नाम नहीं ले सकूंगी एक एपिसोड में इतने सारों का, लेकिन उनकी जो पेंटिंग थी जिसमें उन्होंने अपनी बेटी और उसके हाथ में उसकी बेटी, देयर कम्स पापा, उसने एक बहुत रिश्तों के सौंदर्य, गरिमा और साथ में आने वाली पीढ़ियों को एक सौगात दी थी। 1894 का समय था जब राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटकोपर में एक लिथोग्राफ प्रेस लगाई थी। मकसद था उनकी कलाकृतियों को घर घर तक पहुँचाना। उनके बनाए हुए चित्रों को लोग ईश्वरीय रूप जो थे उनके, लक्ष्मी सरस्वती के उन्होंने रूप बनाए थे ताकि लोग उनकी पूजा कर सकें। ये वो दौर था जब सारा तबका मंदिरों में नहीं जा सकता था या सबकी पहुंच ईश्वर के उस रूप तक नहीं थी, लेकिन राजा रवि वर्मा चाहते थे कि लोगों को उनकी श्रद्धा का आकार और रूप देखने को मिले। इस तरह उन्होंने अपनी कला को श्रद्धा दी और लोगों की श्रद्धा को कला का आधार। ये जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे एक प्रभु जोशी, जो एक बेहतरीन लेखक हैं, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, संपादक हैं, उनका एक लेख पढ़ने को मिला और बड़ा अच्छा इंसिडेंस उन्होंने उनके चाइल्डहुड का उसमें डिस्क्राइब किया है कि जब वो छोटे थे और गीता प्रेस से उनका नाता था, तब उन्होंने वहाँ पे राजा रवि वर्मा के जो चित्र थे देवी देवताओं के देखे हुए थे, और जब वे अपने उन छोटे दोस्तों के साथ में खंजे गोटी खेलते थे और उसमें हारने लगते थे तो आँखें मूंद के ईश्वरी कनेक्शन बताते थे अपना, और दूसरे बच्चे जो हैं उनसे पूछा करते थे क्या तुमने ईश्वर को देखा है, और वो जो डिस्क्रिप्शन देते थे ईश्वर का, वो डिस्क्रिप्शन राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स का होता था। छोटी छोटी नन्ही आँखों में किस तरह ईश्वरीय आकार आ गया, और सच पूछिए तो उनकी श्रद्धा को आधार मिल गया। राजा रवि वर्मा की माता जी का नाम था उमा अम्बा देवी, जो एक बहुत ही अच्छी पोएट, राइटर, कलाकार थीं, जिन्होंने कथकली डांस के, म्यूज़िक के बहुत सारे कंपोजिशंस किए थे। उनके पिता संस्कृत और आयुर्वेद के ज्ञाता थे। अब आप ही सोचिए, जब बीज इतनी क्वालिटी लिए था तो वृक्ष को तो सुंदर होना ही था। बात करते हैं 1873 की, जब उन्हें पहली बार अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसी साल उन्हें वियना में भी अवार्ड मिला था और 1893 में वर्ल्ड स्कॉलरबियन एक्सपोजिशन का अवार्ड भी उन्हें मिला था। हालांकि ये जितने भी अवार्ड थे, सम्मान थे, उनसे उनकी कला कहीं सर्वोच्च थी, कहीं ऊंची थी। राजा रवि वर्मा के पहले यूरोपियन टीचर जैक्सन थिएटर थे। हालांकि उन्होंने जब शिक्षा शुरू की थी तो उस पर तंजोर आर्ट का भी इम्पैक्ट था, तो दोनों कला का मिश्रण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उनकी बेहतरीन कलाओं का आस्वादन जब मैं आज आपसे विदा लूँगी उसके बाद कीजिएगा। लगभग 7,000 पेंटिंग्स राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। आपसे एक बात और शेयर करती हूँ, जब कलाकार इतना बड़ा बन जाता है तो किसी एक ग्रह तक नहीं रहता।
तभी तो बुध ग्रह के एक क्रेटर का नाम भी राजा रवि वर्मा के नाम पर है। आज राजा रवि वर्मा के नाम पे कई पुरस्कार, अवार्ड और सम्मान दिए जाते हैं। वो सम्माननीय हैं इस देश के लिए। उन्हें राजा की उपाधि दी थी ब्रिटिश राज में लॉर्ड कर्जन ने और वाइसरॉय ने। रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा बनने की ये कहानी बेहद दिलचस्प है, लेकिन मैं इसे एक एपिसोड में नहीं समेट सकूंगी। दोबारा आपसे फिर इस विषय पे बात भी करूंगी और उनकी कला और चित्र को हम एक बार फिर देखेंगे। लेकिन आज मुझे इजाज़त दीजिए, अगले शनिवार फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन गुड बाय।